प्रिय दिन दरदी भाई बोनेरा अस्सलाम वालेकुम आरहमतुल्लाहि वा बरकातु। प्रिय दर्शक, फेरेश्ता इसराफिल जखन प्रथम बार सिंगाई फूक देवें तखन साथे साथे समग्र पृथ्वी ध्वंस हो जाबे। आबार जखन द्वितीय बार फूक देवें तखन सबाई हासरेर माठे पुनरुत्थित होबे। के इसराफिल फेरेश्ता? इसराफिलेर सिंगार रहस्य कि? इहाते कखन फूक देया हबे? आसुन इसराफिलेर सिंगार रहस्य सम्पर्के संक्षेपे आलोचना करी। तार आगे आपनादेर काछे एकटा रिक्वेस्ट, एई भिडियोटी किन्तु सकलेर जन्य नय, एकमात्र तरिकतपन्थी छाड़ा भिडियोटी देखबेन ना। आर जदि देखेन ताहले ना बुझे केउ भूलभाल मंतव्य करबेन ना। आसुन आर कथा ना बाड़िए आलोचनाय फिरे आसि। प्रिय दर्शक, इसराफिल बोलते शीर्ष स्थानीय और सम्मानीय फेरेश्तादेर मध्य एक जन के बोझाई। प्रचलित अर्थे हाथे सिंगा धारणकारी फेरेश्ताके इसराफिल बला हय। तार सिंगा फुत्कारेर साथे साथे दुनिया ध्वंसप्राप्त हबे। पवित्र कुरान शरीफे अल्लाह ताला बोलें, जे दिन सिंगाई फुत्कार देया हबे फले आकाशमंडली और पृथ्वीर सकले मूर्छित हुए पड़बे। तबे तारा नय जादेरके अल्लाह रक्षा करते इच्छा करबेन। अतःपर आबार सिंगाई फुत्कार देया हबे, तत्क्षणात तारा दंडायमान हुए ताकाते थाकबे। सूरा जुमार आयत नम्बर 68। प्रिय दर्शक, पवित्र कुरानेर उक्त आयाते सिंगाय प्रथम फुत्कारे कियामतेर प्रलय संगठित हवार कथा बला हयेछे एवं द्वितीय फुत्कारे हासरेर माठे विचारेर जन्य मानुषेर पुनरुत्थानेर कथा बला हयेछे। आबार हादिस शरीफे एसेछे, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलें, तुमरा हासरेर मैदाने एकत्रित होबे ए अवस्थाय जे सकलेई खाली पा, वस्त्रविहीन ओ खतनाविहीन। बुखारी शरीफ सूत्रे मेसकात शरीफ पृष्ठा नम्बर 483। प्रिय दर्शक, पवित्र कुरान ओ हादिसेर वर्णनार पाशापाशी तासाउफेर साधनार माध्यमे साधकगण इसराफिलेर सिंगाई फूक देवार विषये जा बुझिएछेन सेटा हलो मानुषेर निःश्वास संरक्षणकारी सूक्ष्म शक्तिओ मानवदेहे इसराफिलेर न्याय काज करे थाके। आर मानुषेर मृत्युर समयेर सर्वशेष निःश्वास त्याग कराके मानवदेहे इसराफिलेर सिंगाई फुत्कारेर साथे तुलना करा जाय। केनना मानुषेर शेष निःश्वास नासिका थेके त्याग करार फले देहेर जाबतीय कर्म थेमे जाय एवं ताके मृत बोले घोषणा करा हय। आर ऐ शेष निःश्वास त्यागेर माध्यमे देहेर प्रलय संगठित हय। अर्थात देहेर श्वास प्रश्वास संरक्षणेर काज जे सूक्ष्म शक्तिर माध्यमे हये थाके उहाओ मानवदेहेर जन्यई इसराफिलेर तुल्य। प्रिय दर्शक, इसराफिलेर प्रथम सिंगाई फूते शेष निश्वास त्यागेर माध्यमे मानवदेहेर प्रलय अर्थात मृत्यु घटे। अर्थात एखाने जे पृथ्वी ध्वंसेर कथा बला हयेछे सेटा आसले आमादेर देह नामक पृथ्वी। आमादेर ई देहटा ध्वंसेर माध्यमेई रोज हासुर रोज कियामत संगठित हये थाके। आर हासुर मिजान कियामत आसले कि, एगुलिर हाकिकाती बाकि, ए ब्यापारे विस्तारित जानते चाहले आई बाटने अथवा डिस्क्रिप्शन बक्सेर लिंके क्लिक करे भिडियोटी देखते पारेन। आबार द्वितीय बार सिंगाई फुयेर माध्यमे सद्यभूमिष्ठ शिशु जीवन लाभ करे अर्थात पुनर्जन्म हय। कारण मृत व्यक्ति
नासिका दिए श्वास प्रश्वासेर माध्यमे पुनराय जीवन लाभ करे बोलेई इसराफिलेर द्वितीय फुत्कार बोझानो हयेछे। आर इसलामे पुनर्जन्म आछे कि ना ए ब्यापारे कुरानेर दलिल सह विस्तारित जानते चाइले आई बाटने अथवा डिस्क्रिप्शन बक्से लिंके क्लिक करे भिडियोटी देखते पारेन। प्रिय दर्शक, सद्यजात शिशु जखन जन्म नेय तखन से खाली पा खतनाविहीन ओ वस्त्रविहीन अवस्थाय थाके। ताई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलेन, तोमरा हासरेर मैदाने एकत्रित हबे ए अवस्थाय जे सकले खाली पा वस्त्रविहीन ओ खतनाविहीन अवस्थाय। सुतरां এই পৃথিবীটাই হাসরের মাঠ, যেখানে বর্তমানে আমরা পুনরুত্থিত হয়ে আছি। আর এই ব্যাপারে কোরআনের দলিল সহ বিস্তারিত জানতে চাইলে আই বাটনে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সের লিংকে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখতে পারেন। সুতরাং মানুষের জীবন ও মৃত্যুর সাথেও ইসরাফিলের সিংহায় ফুৎকারের চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, সূরা জুমারের 68 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক কিন্তু আরো একটি কথা বলেছেন, আর সেটা হলো, তবে তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবে। অর্থাৎ ইসরাফিলের প্রথম সিংহায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করবে তারা বাদ দিয়ে। এখন কথা হলো, তারা কারা যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করবেন? তারাই হলেন আল্লাহর বন্ধু, তারাই হলেন নায়েবে রাসূল, তারাই হলেন বর্তমান যুগের ওলি আল্লাহগণ। তাই সময় থাকতে থাকতে আমাদের প্রত্যেককে মুর্শিদের হাতে বায়াত হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। কেননা পীরের কাছে বায়াত হওয়াটা সকলের জন্য ফরজ। এ ব্যাপারে কোরআনের দলিল সহ বিস্তারিত জানতে চাইলে স্ক্রিনে বাম দিকের ভিডিওতে ক্লিক করে দেখতে পারেন। আর যিনারা এখনও বায়াত হননি, একজন কামেল মুর্শিদের সন্ধান করছেন, এনাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি, কামেল মুর্শিদের ঠিকানা স্বপ্নযোগের মাধ্যমে জানতে চাইলে স্ক্রিনে ডান দিকের ভিডিওতে ক্লিক করে দেখতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও শেয়ার করুন। আর এই ধরনের অজানা রহস্য ও আসল সত্যকে জানতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু।